फ्रेंड्स, जेट एयरवेज का एनसीएलटी में जाने के बाद जेट एयरवेज के लेनदारों की तरफ से अपना अपना क्लेम सबमिट करने के बाद ये पहली बार है कि एनसीएलटी क्लेम की कुल राशि को पब्लिक के सामने बता रही है और जिसकी पहली जानकारी हम आपको आपके चैनल पूनम सपोर्ट से प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एनसीएलटी को अब तक कुल 24,887 करोड़ क्लेम की राशि के रूप में अलग अलग सोर्सेज से मिले हैं, जिसमें से 229 करोड़ जेट एयर, जो कि नरेश गोयल की खुद की कंपनी है, क्लेम के रूप में सबमिट किया गया है। आपको बता दें कि जेट एयर नरेश गोयल की खुद की कंपनी है, जिसे नरेश गोयल ने साल 1974 में एक ट्रैवल कंपनी के रूप में रजिस्टर करवाया था। ये कंपनी जेट एयरवेज के लेनदारों की लिस्ट में एक सेल्स एजेंट के रूप में रजिस्टर्ड थी। नरेश गोयल ही जेट एयर के भी फाउंडर हैं। उन्होंने जेट एयरवेज को 229 करोड़ रुपए बकाया राशि के रूप में एनसीएलटी से क्लेम किया, लेकिन एनसीएलटी ने उनके इस क्लेम को पास ना करके रिजेक्ट कर दिया। एनसीएलटी ने जेट एयरवेज की एक दूसरी कंपनी जेट लाइट के एम्प्लॉय के द्वारा सबमिट किए गए क्लेम को भी रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि जेट लाइट जेट एयरवेज से एक डिफरेंट कंपनी है और एनसीएलटी केवल जेट एयरवेज के एम्प्लॉय का ही क्लेम सब पास कर सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जेट एयरवेज के बंद होने के बाद ना तो जेट एयरवेज के एम्प्लॉय को सैलरी मिली है और ना ही जेट लाइट के एम्प्लॉय को सैलरी मिली है। एनसीएलटी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक 24,887 करोड़ रुपये क्लेम की राशि के रूप में रिसीव हो चुके हैं, जिसमें से 1,380 करोड़ एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया और बाकी की राशि का वेरिफिकेशन अभी जारी है। एनसीएलटी हर एक 15 दिन में जेट एयरवेज से रिलेटेड अपडेट को पब्लिक के साथ साझा करती है। अब आगे देखने वाली बात यह है कि नेक्स्ट 15 दिन में क्या खबर निकलकर सामने आती है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका आने वाला लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए।